जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद होगा अच्छे ही होंगे एक नए सफ़र में, और स्वागत है आपका प्रयागराज संगम के प्रयाग जंक्शन पे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी जर्नी, और आज की जो अपनी जर्नी होने वाली है वो 11107 ग्वालियर से चलकर बनारस को जाने वाली बुंदेलखंड एक्सप्रेस में होने वाली है। तो आइए चलते हैं स्टेशन के अंदर। तो दोस्तों, कल्याण सेट के वेब 7 इंजन के साथ आ चुकी है अपनी बुंदेलखंड एक्सप्रेस, जो डेली बेसिस पर चलती है, और ये आई है प्रयाग जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो आइए शुरू करते हैं इसकी जर्नी, और इसका यहाँ आने का टाइमिंग है सुबह के 7:30 बजे, और हमको ये पहुँचाती है बनारस 11:05 पे। तो टोटल 4.5 घंटे का समय लगने वाला है, और टोटल 6 स्टॉपेज हैं इसके। तो आइए बोर्ड करते हैं ट्रेन को। और ये है बुंदेलखंड एक्सप्रेस के जनरल कोच का नज़ारा, कुछ ऐसा है। तो अपने बुंदेलखंड एक्सप्रेस का प्रयाग जंक्शन से डिपार्चर हो चुका है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉपेज फूलपुर। प्रयाग जंक्शन प्रयाग जंक्शन से 29 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम अब आ चुके हैं पहले स्टॉपेज फूलपुर पे। फूलपुर की बात करें तो PLP इसका स्टेशन कोड हुआ, और नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो टोटल 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, और ये आता है अपने नॉर्दर्न रेलवे जोन के लखनऊ मंडल में। बाकी फूलपुर एक छोटा सा स्टेशन है, और यहाँ पे ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है ना टर्मिनेट होती है, बस 23 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्टिंग होता है। बाकी यही थी फूलपुर की छोटी सी जानकारी, और मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉपेज पे। तो मात्र 2 मिनट रुकने के बाद फूलपुर से अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है, और मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉपेज। और बात करें इस बुंदेलखंड एक्सप्रेस की, तो पहले चलती थी ICF रैक के साथ, लेकिन अभी हाल ही में इसको LHB किया गया है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि LHB युक्त इसका कोच कैसा लग रहा है। बाकी मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉपेज पे फूलपुर।
तो 53 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोग आ चुके हैं अपने दूसरे हॉल्ट जंघई जंक्शन पे। और जंघई जंक्शन की बात करें तो नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म, टोटल 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और JH का स्टेशन कोड हुआ। और बात करें ट्रेनों की तो यहाँ पे टोटल 65 ट्रेनों का हॉल्टिंग है और ना कोई ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है ना टर्मिनेट होती है। अब बात करें जंक्शन पॉइंट की तो जंक्शन पॉइंट इसलिए यहाँ से एक लाइन प्रतापगढ़ को जाती है, एक लाइन जौनपुर को जाती है और एक लाइन यहाँ अपनी बनारस की तरफ जा रही है, तो इसीलिए जंक्शन पॉइंट है। तो जंघई पे 2 मिनट रुकने के बाद अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। तो प्रयागराज से 68 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोग आ चुके हैं अपने चौथे स्टॉपेज सूर्याव पे। और नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो टोटल 2 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और यहाँ पे 21 ट्रेनों का हॉल्टिंग है, ना कोई ट्रेनें ओरिजिनेट होती है ना टर्मिनेट होती है। कोड की तो SAW इसका स्टेशन कोड है, बाकी 1 मिनट का हॉल्टिंग है। इसके बाद मिलते हैं आपसे सीधे भदोही पे। 1 मिनट रुकने के बाद अब सूर्याव से अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है, मिलते हैं सीधा भदोही पे। हो तो ऐसे नीचे बक्सन से 83 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम आ चुके हैं अपने 5वें स्टॉपेज भदोही पे। और भदोही की बात करें तो BOY इसका स्टेशन कोड हुआ। टोटल 2 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और बात करें भदोही की तो यहाँ पे 50 ट्रेनें हॉल्टिंग करती हैं, ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है ना टर्मिनेट होती है, तो यहाँ पे टोटल 2 मिनट का हॉल्टिंग है। इसके बाद मिलते हैं आपसे बनारस में और ये पड़ता है अपना नॉर्दर्न रेलवे जोन के लखनऊ डिवीजन में। तो 2 मिनट रुकने के बाद भदोही से अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है, मिलते हैं अब आपसे सीधा बनारस में।
और भाई लोग अपने चौखंडी स्टेशन पे, कोई बंदे ने चैन पुलिंग कर दिया है तो गार्ड साहब आ रहे हैं चैन पुलिंग बंद करने के लिए। अब देखते हैं कैसे क्या होता है। यहाँ से होगा जा रहे हैं चैन पुलिंग बंद करने के लिए। वो खींच के भाग गए, पीछे वाले से निकले हैं सब, आपके पीछे यही अंदर पीछे से निकले। तो भाई बात करें यहाँ चौखंडी स्टेशन की, तो अभी दो तीन लोग चैन पुलिंग करके उतर के चले गए, बाकी गार्ड साहब आए तो बंद किए, चाबी लेके आए और बंद किए, तब जाके ट्रेन चालू हुई। तो ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जो अपने एकदम घर के पास चैन पुलिंग करेंगे और उतरेंगे 5 रुपये बचाने के लिए, 10 रुपये, और घर के पास चैन पुलिंग करेंगे। और देख सकते हैं दोस्तों अपनी ट्रेन को शानदार कर्व लेते हुए। स्वतंत्रता सेनानी नई दिल्ली से जयनगर जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस। बनारस स्टेशन, और बनारस स्टेशन का यह है प्लेटफॉर्म नंबर 1। और टाइम देख लीजिए 10:36 हो रहा है। तो दोस्तों प्रयागराज से 130 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोग आ चुके हैं अपने लास्ट स्टॉपेज बनारस जंक्शन पे। और बनारस जंक्शन का बात करें तो टोटल 8 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, और यहाँ पे इसके आने का टाइमिंग था 11:05, लेकिन ये ट्रेन हमको ला के छोड़ दिया यहाँ पे 10:35, यानी आधा घंटा पहले ही हमको यहाँ पे ला के छोड़ दिया। और ट्रेन की बात करें तो काफ़ी अच्छी ट्रेन है, इससे आप एक बार जर्नी अवश्य करिए। और अभी हाल ही में इसको, पहले चलती थी अपने ICF रैक के साथ, लेकिन अब LHB रैक कर दिया गया है, अभी हाल ही में इसको LHB रैक किया गया है, इसके पहले चलती थी ICF कोचों के साथ। तो काफ़ी अच्छी ट्रेन है, और अगर आपको ग्वालियर जाना है तो इससे एक बार ज़रूर जर्नी करें, बहुत ही अच्छी ट्रेन है। तो इसी के साथ में हम इस जर्नी का एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए जय हिंद।